मुख्यमंत्री के बदलने के सवाल पर राज्य मंत्री ने कहा नो कमेंट, कहा हम सब हैं कांग्रेस के सिपाही। राजस्थान की राजनीति में एक बार फिर मुख्यमंत्री को बदलने को लेकर चर्चाएं गर्म हैं। इसी बीच चिड़ाव दौरे पर आए परिवहन एवं सड़क सुरक्षा राज्य मंत्री से जब मुख्यमंत्री के बदलने पर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि नो कमेंट, लेकिन फिर उन्होंने कहा कि सचिन पायलट भी कांग्रेस के सिपाही हैं और अशोक गहलोत हमारे नेता हैं, हम सब ही कांग्रेस के सिपाही हैं। नो कमेंट सर। अलवर में मंदिर तोड़ा गया, इसके बारे में आप क्या करने का? मुझे मंदिर की ज्यादा जानकारी नहीं है सर। टूटा है सर, बीजेपी मंदिर तोड़ने वाले नहीं है। कांग्रेस पे पायलट भी कांग्रेस के सिपाही है, कांग्रेस के मुख्यमंत्री भी कांग्रेस के सिपाही है, भी कांग्रेस के सर। दूसरे दिन भी चोरी की वारदात, पुलिस की उड़ी नींद, पुलिस ने किया मौका मुआयना, सवाल अभी ये कब रुकेगी चोरियों का सिलसिला। चिड़ा शहर में लगातार दूसरे दिन भी चोरी की वारदात सामने आई है। कल जहां भगेरिया फार्म हाउस के पास चोरी की वारदात हुई थी, तो वहीं आज लाटा की जाव और भक्तों के मोहल्ले में चोरी की वारदात हुई है। दो दिन से शहर में हो रही चोरियों की वारदात ने पुलिस की नींद उड़ा दी है। अब मैं तो बच्चों को पेपर दिलाने के लिए गाँव चली गई, घर बनते तो दोनों ताले तोड़ गए और चोर घुस गए। इसमें से है ना 15,000 का तो कैंटीन का सामान है और कपड़े जैसे साड़ी है, बेस है, ये लेके चले गए। दो सिलेंडर हैं, एक दो गैस चूल्हा लगा हुआ था, एक सील पैक है और किचन का सारा सामान लेके गए, डब्बे समेत ही लेके गए हैं। और ये लड़की का पर्स था छोटा, उसमें 850 रुपये थे, वो लेके चले गए। तो आपको सूचना कब लगी? ये सुबह मेरे पड़ोसियों ने बताई है सुबह की, भाई लोग टूटे हुए हैं, दोनों तार टूटे हैं और पेटी का भी कुंदा पड़े हुए हैं, इसमें भी सामान गायब है। पंचायती राज को मजबूत करने का काम किया है कांग्रेस ने। चिड़ावा पंचायत समिति के सभागार में लगातार दूसरी बार चिड़ावा पंचायत समिति को पुरस्कार मिलने के बाद हुए सम्मान समारोह में पहुंचे परिवहन एवं सड़क सुरक्षा राज्य मंत्री विजेंद्र ओला ने कहा कि राजीव गांधी के समय पंचायती राज को मजबूत करने का प्रयास कांग्रेस ने किया था। अध्यक्षता चिड़ावा पंचायत समिति प्रधान इंदिरा डूडी ने की। विशिष्ट अतिथि के रूप में पंचायत समिति विकास अधिकारी रण सिंह, सहायक विकास अधिकारी ओम प्रकाश गोदारा, कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष महेंद्र झाझड़िया। शुरुआत में ओला का माला, सोल व साफा ओढ़ाकर स्वागत किया गया, जबकि प्रधान को चुनड़ी ओढ़ाकर स्वागत किया गया। इस दौरान पंचायती राज कर्मचारी ग्राम विकास अधिकारी संघ शिक्षा विभाग की ओर से ओला प्रधान व बीडीओ व सहायक विकास अधिकारी का सम्मान किया गया। पंचायत राज जो आधुनिक रूप से है उसकी शुरुआत राजस्थान से हुई, जो पंडित जवाहरलाल जी नेहरू ने इसकी शुरुआत की और हमारी तीसरी पंचायत राज व्यवस्था इसके सर्वप्रथम राजस्थान से व्यवस्थित शुरुआत हुई। शुरू में बहुत ज़्यादा पंचायतों का विकास किए गए यहाँ पंचायत समिति को, उसके बाद धीरे धीरे देश में और जगह भी और पंचायत राज में एक स्थिरता से आ गई। कई बार चुनाव समय पर नहीं हुए, लंबी अवधि तक कार्यकाल बढ़ाते रहे या प्रशासन करते रहे। जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने एक इस बारे में सोच किया लाए कि भाई पंचायत राज संस्थाओं का समय पर चुनाव और उनको संवैधानिक दर्जा दिया जाए। उसके लिए वो एक एक्ट लाए पर दोबारा जैसे वो पास नहीं हो सकता, हो सका फिर हमारी सरकार बनी नरसिंह राव जी के नेतृत्व में, तो उसमें पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया और चुनाव आदि की एक व्यवस्था की गई कि हर 5 साल में चुनाव हर साल हो